पागल हो गई हो? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। What's wrong with you? क्या होता? वो आदिवासी मेरी जान ही ले लेते तो ले लेते। वैसे ही क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ सच्चाई जानने आई थी, ये जानने आई थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। एक आदिवासी औरत मुझे निशानी वाला पत्थर देके जाती है, इसका क्या मतलब है? मैं ये जानने आई थी ये सब मेरे साथ ही क्यों? मैं ये सब जानना चाहती हूँ इसीलिए यार। मेरी समझ में कुछ भी नहीं यार, कुछ नहीं समझ आ रहा मैं। लेकिन मैं आज आपकी गाड़ी से जा रही, मैं नहीं रह सकती, अपनी जिंदगी को और नहीं हो जा सकती। मैं जा रही अगर तनु की जिंदगी खराब करने के बारे में सोचा भी ना, बहुत बुरा होगा। तनु, उसने कुछ कहा तुम्हें? बोलो, परेशान किया? बोलो तनु, कुछ कहा तुम्हें? ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा ना किया। उन्होंने तो मेरी जान बचाई है पूरब। तनु, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ से बहुत दूर जाना होगा, परेशानियों से दूर, जहाँ तुम खुश रह सको। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है पूरब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं अब तुम्हें मोक्ष के आसपास रहने नहीं दूंगा, तुम्हें यहां से जाना ही होगा, तुम्हें मोक्ष से दूर जाना ही होगा। अगर तनु की जिंदगी खराब करने के बारे में सोचा भी ना, बहुत बुरा होगा। इंतजार करूंगा उस माध्यम का, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने उस रेचल डिमेलो को, जो हमें मिलाने वाली थी। 20 साल का इंतजार कम नहीं होता इंद्र, 20 साल का इंतजार कम नहीं होता। कब तक मैं इंतजार करूंगा, कब तक मैं सहूंगा ये दर्द, कब तक जारी रहेगा ये तला, कब तक? और अब मैं थक गया हूं, थक गया हूं इस तलाश से, थक गया हूं इस दर्द से, थक गया हूं इस तड़प से। और अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी ना इंद्रा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हां इंद्रा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं।
क्या चाहती हो तुम इंद्र, क्या चाहती हो तुम? ना तुम मुझे मरने देती हो, ना जीने देती हो। मैं तुम्हारे पास जाता हूँ, पर तुम वो भी नहीं चाहती। क्या चाहती हो तुम इंद्र, क्या चाहती हो? इंदु, जब तुम यहां से नीचे दिखती हो तो क्या दिखती हो? खूबसूरत वादियां, पेड़ पौधे, पर ऊंचाई से तो सब कुछ सुंदर नजर आता है। मैं भी तुम्हें इस धरातल पर आमने सामने देखना चाहती हूँ, बहुत करीब से। यहां से जो कुछ नजर आता है बहुत प्यारा है, पर बहुत दूर। क्या फायदा है ऐसी अच्छी चीज का जिसके लिए तुम हाथ बढ़ाओ और छू ना सको? क्या अजीब फलसफा है तुम्हारा। हाँ, मैं हूँ अजीब, पर हूँ तुम्हारे करीब। ओह, सो स्वीट। तुम जब भी जो भी कदम उठाओगे ना, मुझे एक कदम पीछे पाओगे। तुम्हारी ऑफिस में फोन किया था, पता चला कि तुम बाहर गए। मैं समझ गई कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। मोक्ष, ये शर्ट गीली है। अच्छा, यहां बैठो, बैठो। तुम्हारे पैर पर क्या हुआ, कहीं गिर गए थे क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एक मिनट। जख्म भर जाते हैं, बस थोड़ा मरहम लगाना पड़ता है। कभी कभी वक्त लगता है और कभी कभी मेरी जिंदगी के जख्म इस बात के थे कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब तुम आ गए हो
मेरे सारे जख्म भर गए। निकी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हें वक्त चाहिए? मोक्ष, हमारी शादी होने वाली है और तुम कहते हो कि तुम्हें वक्त चाहिए? हाँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुश्किल? क्या यही कि इंदिरा अब तक जिंदा है? हाँ, हाँ वो जिंदा है। तुम साथ जाना चाहती हो तो सुनो, आज मैं खुद कुछ करने गया था पर एक पत्थर ने मुझे रोक दिया। वही पत्थर जो इंदिरा मेरे प्यार की निशानी थी। और तुम कहती हो कि इंदिरा जिंदा नहीं है। एक अजनबी लड़की आती है, वो इंदिरा की तस्वीर बनाती है और तुम कहती हो कि इंदिरा जिंदा नहीं है। निकी, तुम मेरी मंगेतरी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही। पिछले 20 साल से तुमने मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी तड़प को देखा है और फिर भी तुम। हाँ, फिर भी मैं यही कहती हूँ कि इंदिरा जिंदा नहीं। वो लड़की तन्नू एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, उसने कितनी सारी कहानियां पढ़ी हो। और ये भी तो हो सकता है कि पूरब के घर में उसने इंदिरा की कोई तस्वीर देख ली। वो पत्थर की बात बताकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि इंदिरा का अस्तित्व है और मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी और मेरा कोई अस्तित्व नहीं। निकी, तुम कैसी बातें कर रही हो? You're my best friend. I want to give you the best in life. पर मैं तुम्हें सिर्फ इतना दे सकता हूं जितना मेरे पास है। मोक्ष, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे आसपास रहो। मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम भी मुझसे प्यार करो, लेकिन कम से कम बार बार अपने खोए हुए प्यार की याद तो मत दिलाओ। मुझे वो वापस नहीं आएगी और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मोक्ष, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। करो मेरे साथ ऐसा मोक्ष। और हाँ, एक और वादा करो मुझसे। क्या? एक ही, तुम एक बार मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आओगे। What? निकी, मैंने तुम्हें हजार बार कहा है कि मैं बीमार नहीं हूं। मोक्ष, एक बार मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। हो सकता है मैं उस अतीत को छू सकूं जिसे तुम भूल नहीं सकते। हो सकता है तुम्हें कुछ मदद मिल जाए, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकूं। प्लीज निकी, आई टोल्ड यू, आई जस्ट डोंट वांट टू। समझ लेना कि आज से हमारी सगाई टूट गई। मैं अपना आज एक ऐसे आदमी के साथ नहीं गुजार सकती जो खुद अपने कल में जी रहा हो।
क्या बात है पूरब, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बैठो। क्या बात? डैड, आप अपने उस दोस्त को समझाइए, वो बार बार तनु के करीब आने की कोशिश कर रहा है। एंड ही हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स, बहुत हो चुका, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो पूरब, मैं मोक्ष को जानता हूं, वो ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कोई बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। हो सकता है कि तनु ने ही कुछ। Bloody hell! मोक्ष को जानते हैं आप? अगर आप मोक्ष को जानते हैं तो मैं तनु को जानता हूं डैड। वो आदमी पागल हो चुका है, गिर चुका है। आपको मालूम है, तनु को बचाने के बहाने उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था वो, मैं वहीं खड़ा था। I'm sorry, Dad. लेकिन मैं तनु से बहुत प्यार करता हूं, बहुत। अगर वो आपका दोस्त नहीं होता ना, मैं उसे जान से मार देता। I would have killed. समझाइए उसको।